नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ बैक्टीरियल काउंट करना, बैक्टीरियल सेल्स को अगर हमारे पास पेट्रीप्लेट है वो इसे कैसे काउंट करेंगे, उसमें कौन सा मेथड होता है। द मेथड इज कॉल्ड द हीमोसाइटोमीटर या काउंटिंग चैम्बर मेथड, काउंटिंग ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स या काउंट द वन बाय वन बैक्टीरिया। दिस इज वेरी सिंपल रैपिडली विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट। The technique is a minute drop technique in which we are using a slide type of structure. This skull is the Neuber slide where there is a large number of the square shape of the structures are presented. These square shape of structure, the diameter is their accurate rules is making separation 1/400 millimeter type of squares. In this counting method, cells can be determined by using phase contrast microscope. When you put the cultures or anything inside this bacteria, these slides are observed under the phase contrast microscopes. अब हम देखते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को काउंट करने के लिए जो फार्मूला इजाद किया गया है उसमें आता है नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास स्लाइड लाइक स्ट्रक्चर न्यूबर स्लाइड है उसमें पांच चैम्बर्स होंगे, जाकर नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड पहला, डायलूशन एंड एरिया काउंटेड डेप्थ। अब इसमें होता है कि इसके अंदर पांच होते हैं और इसमें 16 पार्ट, एक एक स्लाइड के एक पार्ट में 16 पार्ट होते हैं। अब उनमें हम जब कल्चर को डालते हैं डाइल्यूट करके उसका डेप्थ नापेंगे और डाइल्यूशन कितना है वो। अब जो एरिया काउंटेड है उसमें पांच स्क्वायर्स, जो हमारे पांच हैं ये, ईच स्क्वायर 16 डिवीजन मैंने बताया, और स्क्वायर्स को डिवाइड करके 1/400 मिलीमीटर स्क्वायर्स का जो एक एक का एरिया, छोटा छोटा जो वाला ये वाला एरिया है ना उसका ये। अब 5 × 16 कर देंगे फिर 80 आ गया, 80 को 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पांच स्क्वायर जो एक स्लाइड का स्क्वायर का इतना एरिया आ जाएगा। तो ये एक पार्ट आपने यहाँ कैलकुलेट नंबर ऑफ। नाउ वी आर कमिंग टू स्पेशल माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड द फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, स्लाइडिंग काउंटिंग चैम्बर 1/10 मीटर डीप। उसका जो हमारे पास डेप्थ थी, मान लो ये हमारे पास स्लाइड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूबर स्लाइड स्ट्रक्चर, वहाँ पांच स्ट्रक्चर से हमारे पास, और एक एक स्ट्रक्चर में कितने कितने पार्ट्स हैं, 16 पार्ट है। तो ये हमारा डेप्थ हो गया। जाकर डाइल्यूशन मैंने अगर 200 की 1/200 किया जाएगा, तो सिमिलर फार्मूला लगा के आप वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी उनको 200 मल्टीप्लाई करके 1/5 से डिवाइड करके 1/10 जो हमारा डेप्थ है उससे ये काउंट करके आप उस पर्टिकुलर मिलीमीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हैं वो काउंट कर सकते हो। ये एक स्पेशल टाइप का फार्मूला है जो हम डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द हाउ टू काउंट द बैक्टीरियल सेल्स इन ए पर्टिकुलर स्लाइड और इन ए पेट्रीप्लेट मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।